नमस्कार मित्रों स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू में आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट लाइट हाउस के बारे में बात करने वाले हैं प्लीज इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा लाइट हाउस प्रोजेक्ट के साथ हाल ही में आपने सुना होगा कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट है इनोग्रेटेड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बट दिस प्रोजेक्ट लाइट हाउस ये एक प्रोजेक्ट है एक एनजीओ है गेनाइजेशन जो वर्क कर रहा है इंडिया में जो तीन स्पीशीज मिलती है इंडियन सब कॉन्टिनें में थ्री ऑटर स्पीशीज उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आज हम लोग बात करेंगे इस प्रोजेक्ट लाइट हाउस के बारे में और इसमें आपका क्या योगदान हो सकता है इसके बारे में बात करेंगे सो स्टे टूड टिल द एंड फॉर दिस पर्टिकुलर इफॉर्मेशन आई एम योर फ्रेंड राहुल साइगकर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं यू कैन फॉलो मी ऑन दी आई डी राहुल साई ट्रिपल टू मेरा फेसबुक इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का आई सेम है इसके अलावा स्टडी आपके लाया है स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी 2021 ज्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से एंड डोंट फॉरगेट टू टू सब्सक्राइब चैनल देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं ऑटर के बारे में फिर खबर के बारे में बात करते हैं ठीक है ऑटर होता क्या है ऑटर एक वीजल फैमिली वीजल यानी कुछ इस तरह के एनिमल्स दिखते हैं नॉर्मली इसमें बहुत सारे कैटेगरीज आते हैं जैसे कि फेरेट्स यानी कि जो छोटे मंगूस आप कह सकते हैं मंगूस इज ऑल्सो फ्रॉम वीजल फैमिली तो इस तरह का दिखता है वो ऑलमोस्ट हर जगह पे मिलता है हर कॉन्टिनेंट में मिलता है एक्सेप्ट फॉर ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट एंड अंटार्कटिका सो ऑटर्स आर दी स्मॉल एनिमल्स छोटे कान होते हैं फ्लैट नोज होता है लंबी टेल होती है और फरी भी होते हैं तो इनका एक्सप्लोर्टेशन भी होता है इनके फर के लिए तो इन ऑटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन देखिए अगर हम लोग बात करें ऑटर्स के बारे पूरे में पूरे विश्व में तेरह प्रजाति है ऑटर्स की यहां पे आपको इंफॉर्मेशन दी गई है नियोट्रॉपिकल ऑटर इंडिया में मिलता है यूरे, यूरेशियन ऑटर मिलता है स्मूथ कोटेड ऑटर मिलता है यू हैव मेनी अदर ऑटर्स लाइक केप क्लॉलेस ऑटर एटसेट्रा थर्टीन स्पीशीज ऑफ ऑटर्स आर देर इनफैक्ट आई यूसीन का एक ऑटर स्पेशलिस्ट ग्रुप है जिसकी वेबसाइट पर आपको ये सारी तेरह प्रजातियों की डिटेल्स मिल जाएंगे लेकिन हम लोग फोकस करने वाले हैं इंडिया के अंदर कौन सी स्पीशीज मिलती है यानी कि इंडियन सब के अंदर कौन सी स्पीशीज मिलती है उसका इंफॉर्मेशन कोलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वाइल्ड वाटर्स तो चलिए बात करते हैं अब खबर के बारे जैसे में जैसे मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट लाइट हाउस के बारे में प्रोजेक्ट लाइट हाउस किसने शुरू किया है एक गोवा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है नेम्ड बाई वाइल्ड वाटर्स और ये क्या है प्रोजेक्ट बेसिकली इनको इंफॉर्मेशन गैदर करनी है ऑटर्स के बारे में जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट हमारे रीजन में मिलते हैं क्यों क्योंकि इन्होंने हाईलाइट किया है वाइल्ड ऑटर्स का ये कहना है कि बहुत ज़्यादा डेटा गैप है विथ रिगार्ड टू कितने ऑटर्स है क्या इनका डिस्ट्रीब्यूशन है स्पेशली इंडियन सबकॉन्टिनेंटल रीजन में तो इसीलिए इन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया एक मुहिम छेड़ी है जिसमें सिटीजन का बहुत ज्यादा योगदान चाहिए यानी कि एनीबडी कैन पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वाइल्ड ऑटर सो दैट दे कैन कोलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन यानी कि अगर आपको कहीं पर वाइल्ड ऑटर दिखे तो आप बस इंफॉर्मेशन भेज दीजिए इनको इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ये उसको नोट कर लेंगे और एक डेटाबेस बना देंगे इस चीज का तो अब ये डेटाबेस बनाना किस लिए अगर हम लोग ऑटर्स की बात करें देखिए ऑटर्स

बेसिकली टू मेंटेन दी बैलेंस और अगर हम लोग बात करें अभी ऑटर्स के ऊपर क्या खतरा आ रहा है मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है क्योंकि इन जनरल अगर हम लोग बात करें क्लाइमेट चेंज पोल्यूशन एक्सेट्रा एटसेट्रा इन सबसे काफी एडवर्स इंपैक्ट है नॉट जस्ट फॉर ऑटर्स आई वुड से फॉर ऑलमोस्ट ऑल द स्पीशीज लेकिन ऑटर्स की अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट की वजह से उनको काफी खतरा हो रहा है डैम प्रोजेक्ट्स की वजह से सैंड माइनिंग की वजह से ओवर फिशिंग की वजह से ओवर एक्सप्लोर्टेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस की वजह से उनका प्रे बेस कम हो रहा है डैम्स और सैंड माइनिंग की वजह से उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है पोल्यूशन की वजह से बेसिकली दी पैरामीटर्स ऑफ देर हैबिटेट आर चेंजिंग विच इज इंपैक्टिंग दैम अपार्ट फ्रॉम दैट पोचिंग फॉर इलीगल ट्रेड जैसे मैं आपको बताया कि इनकी फर इज वेरी कॉस्टली सो पोचर्स भी बहुत ज्यादा है इलीगल ट्रेड होता है जो ऑटर्स से उनकी स्किन का तो इन सबको स्टॉप करने के लिए इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है वाइल्ड ऑटर्स ये कहते हैं कि अगर हमें इन सब चीज़ों को रोकना है तो पहले हमें ऑटर्स के बारे में समझना होगा हमारे रीजन में स्पेशली इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जब तक हमें यह नहीं पता चलता कि इंडिया में कितनी वाइल्ड ऑटर्स है ऑलरेडी थ्री वाइल्ड ऑटर स्पीशीज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया बट इसके अलावा कितने नंबर्स हैं कहाँ पे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ये सब जानना बहुत जरूरी है तो इसीलिए वो चाहते हैं कि ऑब्जर्वेशनल रिकॉर्ड्स पब्लिक उन्हें भेजे बेसिकली इस पूरे प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है ताकि वो एस्टैब्लिश और कंफर्म करे कि ऑटर्स है इंडिया में ओल्ड रेंज में जहाँ पे पुरानी जगह रहते थे नई जगह अगर वो लोग मूव हुए हैं तो क्यों हुए इन सब चीजों को स्टडी करने के लिए साथ ही साथ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो है ऑटर की प्रेजेंस का उसको कन्फर्म करने के लिए और नई ट्रेंड भी कि क्या गर्मी की वजह से कहीं और मूव हो रहे क्लाइमेट चेंज की वजह से उनकी मूवमेंट हो है नहीं और इन सब के साथ डेटा और एविडेंस प्रोवाइड करें कंजर्वेशन इंस्टीट्यूशन को सरकार को ताकि नए कंजर्वेशन प्लान के साथ आ जाए हैबिटेट मैनेजमेंट हो जाए यहां पे ताकि ऑटर्स को हम लोग बचा सके तो चलिए डिटेल्स देता हूं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में और आप इसमें क्या कर सकते हैं देखिए हु कैन प्रोवाइड डेटा मैंने आपको कहा कि दिस इज सिटीजन सेंट्रिक प्रोजेक्ट यानी कि कोई भी हो डायरेक्टली डेटा प्रोवाइड कर सकता है ऐसा नहीं कि गोवा बेस्ड है तो गोवा में ही मिलते हैं नहीं ऑटर्स कैन बी फाउंड एनी वेर इन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन है तो अगर आपको ऑटर दिखे तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है और वाइल्ड ऑटर्स को प्रोवाइड करना है और इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं कि आप ट्रेन्ड बायोलॉजिस्ट हो इनफैक्ट अगर आप वाइल्ड ऑटर्स की वेबसाइट पे चले जाए तो वो आपको बेसिक स्किल्स डेवलप करा देंगे कि, कि किस तरह आप नेचर को ऑब्जर्व कर सकते हो किस तरह आप ऑटर्स को ऑब्जर्व कर सकते हो और उनके बारे में क्रिटिकल इंफॉर्मेशन किस तरह प्रोवाइड कर सकते हो तो आपको याद रखना है कि कोई भी प्रोवाइड कर सकता है अगर आपको ऑटर दिखे तो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लाइट हाउस देखिए किसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए अभी इंडिया में तीन ऑटर की प्रजातियां मिलती है एक है यूरेशियन ऑटर जो इस तरह दिखता है यूरेशियन ऑटर मिलता है आपको हिमालयन रीजन में श्रीलंकन रीजन में मिलता है तमिलनाडु रीजन में मिलता है तो इफ यू फाइंड दिस यूरेशियन ऑटर डू सेंड द इन्फॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम दैट स्मूथ कोटेड ऑटर भी मिलता है रिवरिन एनिमल है बहुत सारे नदियों में मिलता है इंडिया में ऑल दो नॉर्थ ईस्ट रीजन में इसके नंबर्स काफी कम हैं, इनफैक्ट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बहुत ही रेयर दिखाई देता है ये स्मूथ कोटेड वाटर बट इन जनरल बहुत सारे रिवर्स में मिलता है इंडिया के और एक और है एशियन स्मॉल क्लॉड ऑटर जो इस तरह दिखता है ये मिलता है आपको वेस्टर्न घाट्स और सुंदरबंश में और आपको याद रखना है कि ये दो जो प्रजातियां हैं ये ऑलरेडी साइट्स कन्वेंशन ऑन स्टॉपिंग द ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज उसके अपेंडिक्स में पाया जाता यानी कि इनकी प्रोटेक्शन लेवल काफी ज्यादा है तो अगर ये आपको दिखे तो वट यू कैन डू हाउ कैन यू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट लाइट हाउस वेरी सिंपल इफ यू गो टू द वेबसाइट आई वुड अर्ज यू टू गो टू दिस पर्टिकुलर वेबसाइट वाइल्ड ऑटर्स डॉट कॉम स्लैश प्रोजेक्ट लाइट हाउस जहां पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी किस तरह आप ऑर्टर्स को स्पॉट कर सकते हो नेचर ऑब्जर्वेशन के बारे में स्किल्स मिल जाएंगे और आपको क्या करना है ये भी पता चलेगा बट इन जनरल अगर आपको ऑटर्स दिखे तो इनकी वेबसाइट भी यहाँ पे दिया हुआ है कि बेसिकली वॉट यू कैन डू यू कैन शेयर थ्री इंपॉर्टेंट पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन वन पर्टिकुलर नंबर ऑन अ टेलीग्राम चैनल और बेसिकली ऑन सिग्नल आपको क्या करना है लोकेशन भेजना है आपको डिस्क्रिप्शन बतानी है कि कितनी ऑर्डर आपने देखी क्या कर रही थी एटसेट्रा एटसेट्रा और अगर कोई इमेज और अगर वीडियो आपको आप रिकॉर्ड कर सकें इनफैक्ट अगर दिस इज क्वाइट ईजी फॉर ऑलमोस्ट एवरीबडी बिकॉज आई थिंक बहुत से लोगों के पास स्मार्टफोन होगा तो यू इफ यू कैन डू दीज थ्री थिंग्स एंड शेयर विद वाइल्ड ऑटर्स दे कैन कोलेक्ट दिस इन्फॉर्मेशन और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉशनरी नोट देते हैं वाइल्ड ऑटर कि अगर आपको ऑटर दिखे तो आप इसको सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट ना करें क्योंकि इसका मिसयूज हो सकता है पोचर्स इसको देख के इमीडिएटली वहां पर पहुंच सकते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा सो डू रिमेंबर इफ यू वॉन्ट टू बी ए पार्ट ऑफ दिस सिंपली इफ यू फाइंड एन ऑटर शेयर द इन्फॉर्मेशन विद वाइल्ड ऑटर्स क्या होगी इससे मदद इससे एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी डेटाबेस बनेगा जिससे हम लोग अच्छे कंजर्वेशन प्लान ला सकते हैं और ऑटर्स को बचा सकते हैं हमारे देश में दैट इज इट फ्रॉम माई साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन थैंक यू फॉर वॉचिंग जय हिंद